हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन टू अ 25 एमएल H2O2 सॉल्यूशन एक्सेस ऑफ एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड वाज एडेड द आयोडीन लिब्रेटेड रिक्वायर 20 एमएल ऑफ 0.3 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है तो जो की कॉन्सेप्ट है दैट इन्वॉल्व द रीडॉक्स टाइट्रेशन एंड द ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो यहां पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है दैट इज एक्स Uh, acting as oxidizing agent and it is liberating iodine from potassium iodide in the presence. ऑफ एंड तो हेयर जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है अगर हम देखें वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो ये क्या होता है इट इज द मेजर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की देखनी है तो इट इज द मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस It can produce under standard conditions that is one volume of hydrogen peroxide that is. कंपोजेज टू गिव वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस नाउ आई विल एक्सप्लेन द आंसर तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के साथ तो so, यहां पर टू आयोडाइड आयन्स प्लस टू हाइड्रोजन आयंस तो ये क्या देगा टू मोल्स ऑफ वाटर देगा और एक मोल ऑफ आयोडीन तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो क्या कर रहा है इट इज ऑक्सीडाइजेड द आयोडाइड आयन्स टू आयोडीन नाउ अब टाइट्रेशन रिएक्शन लिखेंगे टाइट्रेशन ऑफ द लिबरेटेड आयोडीन विद सोडियम हायोसल्फेट तो यहां पर जो रिएक्शन है वो लिखेंगे आई टू जो अभी रिएक्शन में यहां लिबरेट हुई है प्लस टू मोल्स ऑफ सोडियम हायोसल्फेट और ये क्या देगा टू मोल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड प्लस सोडियम एन ए टू एस फोर ओ सिक्स नाउ यहां पर अब हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट तो दैट विल बी वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मैलिटी तो यहां पर 20 ml एल इज द वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी कितनी है 0.3 नॉर्मल तो दैट विल गिव 20 मल्टीप्लाइड बाई जीरो मल्टीप्लाइड बाय टेन इज टू पावर माइनस थ्री तो यहां पर हम लिखेंगे कि मोल्स ऑफ आयोडीन रिएक्टेड कितने मोल्स जो है आयोडीन के रिएक्ट किए हैं तो अगर टाइट्रेशन रिएक्शन में देखें तो हम लिख सकते हैं कि टू मोल्स जो है सोडियम थायोसल्फेट के वो रिएक्ट करते हैं वन मोल ऑफ आयोडीन के साथ तो यहां से हम मोल्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं आईडीन के सो दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट डिवाइडेड बाय टू सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स डिवाइडेड बाय टू तो ये जो वैल्यू आई है ये हम पीछे चल के देखते हैं तो यहां से यहां पर ये जो वैल्यू है दैट इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स मोल्स तो यही वैल्यू हमने यहां पर पुट की है तो यहां पर जब हमने वैल्यू पुट की तो यहां से आंसर क्या आया जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री मोल्स आया अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखेंगे तो यहां से रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन पैरोक्साइड प्रोड्यूसेस वन मोल ऑफ आयोडीन मतलब जितने मोल है हाइड्रोजन पैरोक्साइड के उतने ही वो मोल बना रहा है आयोडीन के तो यहां से हम कह सकते हैं कि मोल्स जो है हाइड्रोजन पैरोक्साइड के वो भी कितने हुए जितने आयोडीन के थे दैट इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री मोल्स नाउ अब यहां पर हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे दैट इज कैलकुलेटेड एज मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन पैरोक्साइड मल्टीप्लाइड बाई इलेवन पॉइंट टू तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम मोलैरिटी देखेंगे तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है हम लिखेंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पैरोक्साइड दैट इज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स तो दैट विल बी इक्वल टू तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव तो हमारे पास जो मोलारिटी है वो कितनी है जीरो पॉइंट वन टू मोलर तो यहाँ पर अगर हम देखें इलेवन पॉइंट टू ये जो है फॉर्मूले में कहां से आया तो इलेवन पॉइंट टू क्या है इट इज द वॉल्यूम ऑफ अगर हम यहाँ पर बताए इट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इड्रोजन पैरऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन तो ये जो इलेवन पॉइंट टू है ये यहां से आता है नाव अब यहाँ पर हमारे पास मोलैरिटी की वैल्यू आ चुकी है तो हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ में इसकी जो वैल्यू पुट कर देंगे तो मोलैरिटी क्या है जीरो पॉइंट दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय इलेवन पॉइंट टू एंड वी गेट द आंसर विच इज थ्री फोर फोर तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन सो दिस इज द फाइनल आंसर आई होप यू हैव दिस आंसर वेरी वेल थैंक्स फॉर हैचिंग